हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर मैग्नम टावर्स में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ प्री रेंटेड प्रॉपर्टी के ऑप्शंस। इसमें मैं आपको रिटेल ऑप्शंस भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा प्री रेंटेड ऑफिस स्पेस के ऑप्शन जो कि अभी अभी लीज आउट हुए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी आरओआई के साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। बात करते हैं इस लोकेशन की, तो लोकेशन है सेक्टर 59 विच इज़ लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव, विच इज़ द नियरेस्ट लोकेशन टू गोल्फ कोर्स रोड, जो कि यहाँ से लगभग 500 से 600 मीटर पे है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ये पहला सेक्टर पड़ता है जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड के पास है। बात करते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, विच इज सेक्टर 55-56, वो भी लगभग यहाँ से 800 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। सो आप देख सकते हैं कि लोकेशन बड़ी ही प्रीमियम है। अगर मैं यहाँ पे आसपास की बात करूँ तो बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड में गुड अर्थ का प्रोजेक्ट है, विच इज अगेन अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, और जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे टेनेंट इसमें ऑलरेडी लीज आउट हो चुके हैं। तो ये कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस बनता है, जहाँ पर आज की डेट में 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी लीज्ड आउट हो चुका है और अभी जो डेवलपमेंट में है, अंडर डेवलपमेंट में, यहाँ पर गुड अर्थ और मैग्नम का जो एरिया है वो कम से कम 18 से 20 लाख स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ पर कितना ज़्यादा ऑफिस स्पेस आने वाला है। और जस्ट यहाँ से 300 से 400 मीटर पर आपका टाटा का आइटेलियन करके एक SEZ लगता है, उसके साथ साथ भी 100 से 150 एकड़ का एक SEZ और लगता है, जहां पर काफी अच्छे टेनेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। सो मैग्नम टावर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं प्री रेंटेड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव। सो ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैग्नम टावर्स हैं, ये एक छोटा सा टावर है और सामने वाला जो है ये मैग्नम का ही टावर है, और इसके पीछे जो डेवलपमेंट चल रही है वो मैग्नम का आने वाला टावर है, जिसमें कि आपको 10 से 15 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस मिलता है। अभी मैं आपको जाके वो पीछे दिखाऊंगा कि किस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। इस पर्टिकुलर कैंपस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो बैंक्स है, इंडसइंड बैंक ऑलरेडी आ चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक आ चुका है, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके खाने पीने के लिए यहाँ पर इटरीज़ है, और साथ ही साथ यहाँ पर BBQ ने भी एक अच्छी लीज साइन कर ली है जो कि एज ए रेंटेड ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको एज ए रेंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देख सकते हैं। BBQ ने यहाँ पर लीज साइन की है, काफ़ी अच्छी लीज है, उसमें 3 से 4 साल का लॉक इन पीरियड है, 9 साल की वो लीज़ है, वो भी आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टावर के अंदर सो दैट कि यू कैन हैव द व्यू कि किस तरह की इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और किस तरह का इनका रिसेप्शन का एरिया है, किस तरह की फ्लोर प्लेट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो लेट्स गो। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ मैग्नम टावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका एक टावर अंडर डेवलपमेंट है, वो है ये वाला टावर, जिसमें कि आपका 10 से 12 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस निकल के आता है। लोकेशन बड़ी ही प्रीमियम है और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें आपको -2 लेवल के साथ साथ जो कार पार्किंग है उसके साथ साथ इसमें 7 लेवल तक स्टिल्ट कार पार्किंग की फैसिलिटी भी दी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो कार पार्किंग की प्रॉब्लम है बाकी टावर्स के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करती है, कहीं ना कहीं उसका एक सॉल्यूशन है। काफ़ी प्रीमियम ऑफिस स्पेस का ये टावर बनाने वाले हैं और लोकेशन तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नियरेस्ट लोकेशन है गोल्फ कोर्स रोड की, और अभी से ही काफ़ी टेनेंट के साथ इनकी बात चल रही है 1.5 से 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया लीज आउट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रीमियम लोकेशन है, और अगर आप चाहो तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अगर आप खाली स्पेसेस में खरीदना चाहो तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आपको यहां पर मिलते हैं। सो लेट मी टेक यू टू द रिसेप्शन एरिया ऑफ मैग्नम टावर और आपको दिखाता हूं कि किस तरह का इनका रिसेप्शन एरिया है। सो ये है मैग्नम टावर की एक टिपिकल फ्लोर प्लेट।
इसमें आपको 15,000 के आसपास का टोटल एरिया मिलता है, जिसमें कि आपके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के यूनिट्स आते हैं, जैसे कि आपके 1,000 स्क्वायर फीट से लेकर 2,500 स्क्वायर फीट के यूनिट्स आते हैं। और इसी फ्लोर प्लेट पे हमारे पास दो ऑप्शंस है जहां पर आपको प्री रेंटेड ऑफिस स्पेस मिलते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप कंपनीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ की जो प्रोफाइल्स है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इंडियन कंपनीज़ है। एक कंपनी ऑलरेडी बैठ चुकी है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको यहाँ पर आए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। और जो दूसरा स्पेस है हमारे पास एज ए रेंटेड ऑफिस स्पेस में, वो आपका बिल्कुल सामने वाला स्पेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये टोटल मिला के 3 यूनिट्स है जो कि एक ही टेनेंट को लीज आउट की गई है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक यूनिट भी ले सकते हो एज़ पर योर टिकट साइज, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द होल यूनिट, जो कि आपका काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है कि अगर आप पूरे का पूरा यूनिट लेते हो तो कहीं ना कहीं फिनिशिंग आपकी एक तरह की ही फर्निशिंग मिलती है। तो अगर कल को टेनेंट आपका चला भी जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आप फिनिशिंग करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी जो भी फर्निशिंग है 6 से 8 साल बड़े आराम से चल जाती है। आपको थोड़े बहुत ही चेंज करने पड़ते हैं, उसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर बात करता हूँ मैं इस टेनेंट की, तो काफ़ी अच्छा इंडियन टेनेंट है। इसमें आपको 4 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, 9 साल की आपकी लीज़ है और काफ़ी अच्छी ROI पे आपको ये चीज़ मिल जाती है एज ए रेंट ऑप्शन। सो अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है रेंटेड प्रॉपर्टी में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट के इसी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूं तो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो इट वॉज ऑल अबाउट मैग्नम टावर दैट इज लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 59, विच इज द नियरेस्ट लोकेशन टू गोल्फ कोर्स रोड और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो आपका है सेक्टर 55-56, वहाँ से भी ये नियरेस्ट लोकेशन है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।